सीजीपीएससी को लेकर के तीन बड़े अपडेट्स आए हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे हम पूरी अपडेट को जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम बता दें कि सीजीपीएससी के द्वारा दोस्तों एक बड़ा फैसला लिया गया है। वो कौन सा फैसला है जिसको हमारे वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने अपने इंस्टा हैंडल पे जाकर के उन्होंने पोस्ट भी किया है और सारी जानकारी के बारे में बताया है। यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि पीएससी की परीक्षा नियंत्रक आरती का बस्तर तबादला। जैसे कि बता दें पीएससी 2021-22 की परीक्षा के दौरान चर्चा में थी वशनी की। यहाँ पर राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के दोस्तों तबादले किए गए हैं, जिसमें राज्य की सत्ता में दोस्तों काबिज होने वाले भाजपा सरकार के 66 दिनों के बाद दोस्तों सोमवार देर शाम राज्य लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक आरती वाशनी को हटा दिया गया है। उन्होंने उपयुक्त बस्तर बना करके दोस्तों यहाँ पर पदस्थापन की गई है। मामूल यहाँ पर देख पा रहे हैं, मालूम हो रहा है कि श्रीमती वाशनी का नाम पीएससी 2021-22 के दौरान सुर्खियों में आया था, जबकि विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने दोस्तों तत्कालीन कांग्रेस पर दोस्तों पीएससी के चेयरमैन भाई भतीजावाद का दोस्तों यहां पर आरोप लगाया था। इस आरोप के लपेट में दोस्तों परीक्षा नियंत्रक श्रीमती वाशनी भी आई थी, किंतु सरकार में होने आने के बाद भी दोस्तों उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और वाशनी समय दोस्तों राज्य के अन्य जो प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के दोस्तों तबादले किए गए हैं और वर्ष 2023 के दोस्तों प्रारंभिक जो परीक्षा में एक बार फिर आधा दर्जन से ज़्यादा सवालों के उत्तर गलत मिले हैं, जिससे दोस्तों बाद में सत्ताधारी दल भाजपा के कान खड़े हो गए हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने दोस्तों बताया है कि दोस्तों कुछ प्रश्नों को लेकर के डाउट था जिसमें टफ थे, उसको लेकर के सीजीपीएससी ने क्लियर कर दिया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दोस्तों 11 फरवरी 2024 को राज्य प्रारंभिक परीक्षा 2023 का दोस्तों आयोजन किया गया था और उक्त परीक्षा के संबंध में 16 फरवरी को दोस्तों 2024 को जारी किए गए मॉडल उत्तर के सापेक्ष में दोस्तों विभिन्न सोशल मीडिया पर दोस्तों माध्यम से कुछ प्रश्नों के मॉडल जो है वो उत्तरों के गलत होने के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति जताई जा रही है और अवगत किया जा रहा है। दोस्तों 27 फरवरी 2024 तक प्रश्न एवं उत्तरों के संबंध में दोस्तों ऑनलाइन आपत्ति अभ्यर्थियों से मंगाए गए हैं। उक्त नियत तिथि से दोस्तों पश्चात अभ्यर्थियों के हितों को दृष्टिगत करते हुए यहां पर प्रश्नों और उत्तरों का यहां पर प्रशिक्षण नियमानुसार और विषय विशेषज्ञों के अनुसार किया जाएगा और विषय विशेषज्ञों के प्राप्त आवेदन के आधार पर दोस्तों प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा मतलब सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स की परीक्षा को 2023 के परिणाम जारी करने की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। यहाँ पर बड़ी एक अपडेट है कि राज्य सेवा की प्रीलिम्स के मॉडल उत्तर में 27 तक यहाँ पर वही चीज़ है, बस यहाँ पर देख पा रहे हैं आपत्ति के बाद हटाए गए थे प्रश्नों की जो ये एक हिस्ट्री है। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर 5 वर्षों से पीएससी की पेपर में दोस्तों सेट में लापरवाही, 5 वर्षों से हटाए गए 45 प्रश्न, इस बार भी कई सवालों के जवाब पर संदेह। मुख्य परीक्षा की बात करें दोस्तों, इस बार तो 3630 उम्मीदवार यहाँ पर रहेंगे, इस प्रकार से कुछ है। संशोधित मॉडल उत्तर पर देरी का इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से कुछ रहा है आप सभी का। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। पीएससी के अभी 2-3 बड़े अपडेट्स आए थे। ओपी चौधरी जी ने भी अपने ट्विटर हैंड सॉरी अपने इंस्टा आईडी पे उन्होंने ट्वीट करके भी बताया है कि जो भी निर्णय होगा वो छात्रों के हित में होगा। सारी जानकारी आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए सीजीपीएससी के चैनल को सब्सक्राइब कर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना आपके भाई बहन दोस्तों तक। और यहाँ पर सीबीआई जांच से पहले कार्रवाई हो चुकी है। ठीक है।